पाकिस्तानी से खेल रहे थे, वहाँ से आप वापस आ गए, उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम में फिर ड्रॉप हो गए, कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्या है ये सारी चीज़, कितना ये चीज़ें आपको जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, कमबैक बड़ा अच्छा हुआ है। बाकी दूसरी बात ये कि कमबैक जितना भी है, मेरा नाम आया दोबारा, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी नाम नहीं आया था, तो इन चीज़ों को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। हो सकता है कि टीम की रिक्वायरमेंट उस टाइम नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पूरी अपनी फोकस पे हूँ क्रिकेट पे और पॉजिटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग वगैरह भी की है, तो जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अभी तो ओपनर के लिए बड़ा टफ कंपटीशन है, आज भी आप खेले और आपने परफॉर्म भी किया है, तो आगे कितनी होप रहती है कि परफॉर्मेंस के बाद जो है वो मुस्तकिल जगह भी बने? एक्चुअली सबसे ये तो अच्छी बात है कि अगर ओपनर्स के साथ एक इमाम भी कर रहा है, तो मैं भी अगर आया हूँ तो मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि जाके परफॉर्मेंस होती है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी कमबैक करें तो अच्छा से अच्छा करें। अभी T20 स्क्वाड में आपका नाम नहीं है, लेकिन वनडे के अंदर परफॉर्मेंस जब आपको मौका मिला बहुत अच्छी थी, सो एक ये सवाल, दूसरा क्राउड के सामने आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो क्राउड का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आज काफ़ी लोग आए हुए थे, क्राउड आया हुआ था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, जितना भी शुक्र अदा करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। बाकी दूसरा ये कि पॉजिटिव रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्रिकेट मिले, तो मेरा काम है मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, तो वो रिक्वायरमेंट है, जो भी मुझे जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा आई विल बी रेडी। बड़ी बात होती है कि हमारे बैट्समैन जो है वो डबल फिगर्स को ट्रिपल फिगर में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, इस तरह की कोई प्लानिंग की जाती है कि लाइट सी बात है 74 का आउट हो जाना ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो इसको ट्रिपल फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लानिंग? तो कोई खुद तो नहीं मैं चाहूँगा कि मैं आउट हो जाऊँ या 74 पे मैं आउट हुआ, तो मेरा ये टारगेट जो प्लान दिया था मिसबा भाई ने, जो टीम की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह प्लान दिया था कि इसको पॉजिटिव रखना है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि पॉजिटिव रहूँ, जहाँ भी जो भी अच्छा कर सकता हूँ वो मैं करूँ। आबिद एक जी, एक जो है वो आप पे टैग लगा दिया गया था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे होंगे, लगा दिया गया था कि आप स्लो खेलते हैं, आज आप बहुत तेज खेलते हुए नजर आए, 10 चौके भी आपने लगाए, और ऐसा लग रहा था कि आप जो है ना तेजी से रन बना के कोई इस इंप्रेशन को खत्म करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप जो है वो तेज खेलना भी जानते हैं, क्या वाकई ये माइंड में था या बस जैसी बॉल आ रही थी वैसा खेल रहे थे? मैं तो अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ, जब मेरा डेब्यू भी था उस टाइम भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही मैं खेल रहा था, तो ये मेरा माइंड में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पे टैग लग गया है कि मैं तेज़ नहीं खेल सकता, बट जो भी मुझे मेरिट पे बॉल मिलेगा मैं उसको यूटिलाइज करूँगा। एक्चुअली कीपिंग तो मेरा शौक़ था, तो है भी, ये नहीं है कि मैं कोई किसी के साथ वो कर रहा हूँ, तो जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं अवेलेबल हूँ, ये नहीं है कि क्योंकि लेकिन मैं उसको ओपनर हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा मैं बैटिंग पे ही ज़्यादा फोकस होता है, तो कीपिंग पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ है कीपिंग का, मैं जब से क्रिकेट स्टार्ट की थी तो उस टाइम करता आ रहा था। एक्चुअली जो भी टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं तो रेडी हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, तो अच्छी बात है कि जो भाई मेरे ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा इससे ज़रा पॉजिटिव मिल जाता है, तो जब मुझे भी चांस मिले तो मैं भी परफॉर्मेंस दूँ। अबे जब आप पॉजिटिवली खेल रहे थे तो तब हमने देखा कि फ़खर जो कि ज़रा ज़्यादा अग्रेसिवली खेलते हैं वो बल्कि थोड़ा सा
ज्यादा थोड़ा कंजर्वेटिव होके खेल रहे थे, तो आपकी पार्टनरशिप में ऐसी कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि अगर एक प्लेयर अटैक करे तो दूसरा थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिवली खेले? जी वो बिल्कुल ऐसे ही प्लान हमने बनाया था अंदर, कि क्योंकि अब मेरी शॉट्स लग रही थी और उसको ज़रा वो ट्रबल हो रही थी थोड़ी सी, तो वो मुझे सिंगल्स दे रहा था, तो मुझे जो मिल रही थी शॉट मैं खेल रहा था, तो यही हमने फिर दोनों ने मिलके प्लान किया था कि आप खेलते रहें तो बहुत पॉजिटिव खेल रहे हैं हम दोनों ने। ये बताइए कि ज़्यादा से इंटर प्लेयर्स आए थे, मोस्टली एथलेट थे, बड़ा उनके बारे में कहा जा रहा था कि नए लड़के आए हैं बड़ा, लेकिन आज इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे आप तजिया करते हैं? तो ये तो नहीं फिर मैं कह सकता कि वो नए प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल टीम थी, श्रीलंकन टीम थी, तो हम भी अपना प्रोफेशनल खेल रहे थे, तो जितना भी पॉजिटिव रहेंगे, तो हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने श्रीलंका को। आबिद आज काफ़ी आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग के लिए आपका मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आता है, ये बताइए कि आज की इनिंग्स में विकेट ने कितनी मदद की और इस इनिंग्स को आप किसके नाम करना चाहेंगे, इस फतह को कश्मीर के नाम करना चाहेंगे? कश्मीर के नाम तो कश्मीरी हमारे भाई हैं, ये नहीं है कि उनके नाम क्यों नहीं, उनके नाम भी है, लेकिन मैं अपनी बेटी के नाम करूँगा ये नहीं, क्योंकि मेरा डेब्यू भी जब हुआ था फिर मेरा कम बैक हुआ था, तो मेरी बेटी के नाम ये बहुत ज़रूरी था। विकेट का ये पॉजिटिव विकेट, अच्छी विकेट खेल रही थी आज, स्पिन भी हो रहा था तो, लेकिन लाइट्स में ज़रा ज़्यादा बॉल अच्छा नज़र आ रहा था, तो अच्छी विकेट थी, क्योंकि श्रीलंकन टीम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 300 किया है, तो हमारा भी यही प्लान था कि जितना भी हम कर सकें यूटिलाइज़ करें तो पॉजिटिव खेलें। दर्श अच्छा आबिद, आज आपने फ़खर जमान ने, बाबर आजम ने और हारिस सोहेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मजा रखी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो फिनिशिंग टच होती है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है क्रिकेट में, एक प्लेयर जो ले कर चल रहा है टीम को वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि वो टीम का बेड़ा पार आसानी के साथ लगाए? मेरा ख्याल क्रिकेट में स्टार्ट एक अच्छा मिलता है, फिर उसके बाद फिनिशिंग बड़ी ज़रूरी होती है, तो यही वर्क हो रहा है अभी। मिसबा भाई भी जब भी हमारी मीटिंग वगैरह होती है तो वो यही ज़्यादा इस पे ही ज़्यादा फोकस होते हैं, हम जितने भी लोअर ऑर्डर में बैट्समैन हैं तो यही कि फिनिशिंग अच्छी करनी है, तो या ऊपर से जो अच्छा खेलता आ रहा है तो वो पूरा ले के चले। अच्छा आबिद, आपने किसी को रोल मॉडल बनाया अपना, अच्छी खासी आप बैटिंग कर रहे हैं, नॉर्मली होता है ऐसे प्लेयर्स किसी बैट्समैन को या अगर कोई बॉलर है तो किसी बॉलर को कॉपी करते हैं, आपके कौन से कोई ऐसे बैट्समैन? एक्चुअली जितने भी पाकिस्तानी स्टार्स हैं, जितने भी गुजरे हैं, उनकी मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, फिर इंटरनेशनल पे भी जितने भी हैं, इंडियन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, तो अभी मैं यूसुफ भाई हो गए, मिसबा भाई खुद हैं, फिर उसके बाद यूनस भाई, तो जब मैं क्रिकेट फर्स्ट क्लास वगैरह में खेलता था तो मिसबा भाई और यूनस भाई को ज़रा ज़्यादा फोकस खेलता था, देखता था कि इनकी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपने में कोशिश करूँ कि यूटिलाइज़ करूँ। चलिए स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था, लेकिन वो फिर क्रिकेट का हिस्सा है ये भी, तो दूसरी टीम भी तो खेलने आई हुई है, तो लेकिन यही है कि पॉजिटिव ही रहते हैं जो भी बैट्समैन जाता है, कोई कोशिश यही होती है कि हम फिनिश करके आए, तो लेकिन क्रिकेट का हिस्सा है।